नो स्विमिंग प्लीज, ऐसा विनम्रता से साइन बोर्ड पर सूचित किया गया था। उसे इसका पालन करना चाहिए था। लेकिन अमित कई दिनों से लंबी पैदल यात्रा कर रहा था और वो गंदे पसीने से तर बतर था। उसे लगा कि झील में दोपहर के स्नान की उसे वास्तव में जरूरत है। उसे झील की गहराई का और उसमें रहने वाले जीवों का कोई अंदाजा नहीं था और वो बिना सोचे समझे झील में कूद गया। लेकिन झील में कूदते ही अमित के शरीर ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और उसने पाया कि वो अपने आप एक लंगर की तरह डूब रहा है। वो अपने फेफड़ों में पानी भरते हुए महसूस कर रहा था, लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कई घंटों के बाद जब उसकी आंख खुली, तब उसने अपने आप को एक कैंप फायर के बगल में पाया। उसका शरीर कंबल से कवर किया गया था और एक बूढ़ी महिला उसके बगल में बैठकर उसे घूर रही थी। अमित ने पूछा कि उसे क्या हुआ था। बूढ़ी महिला ने कहा, तुम डूब गए थे और झील के दलदल ने तुम्हें लगभग खींच लिया था। अमित ने कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मिचली आ रही है और चक्कर भी आ रही है। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ देर आराम की जरूरत है, ऐसा कहते हुए वो औरत कुछ चबा रही थी। वो झुकी और आग के ऊपर रखी हुई स्टिक उठाए, जिस पर एक काली सॉसेज जैसी वस्तु थी जो उससे चिपकी हुई थी। ये लो, इसे खा लो, ऐसा कहकर उसने उसे अमित के तरफ बढ़ाया। थकान और कमजोरी के वजह से अमित अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह उसे लिया और खाया। फिर उसने पूछा कि वो क्या है। महिला ने कहा कि ये एक स्थानीय डिश है और ये प्रोटीन से भरी हुई है। इतने में अमित ने गौर किया कि उसके पैरों में बहुत खुजली हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी ज्यादा खुजली क्यों हो रही है। इतने में उस औरत ने कहा, मुझे तो उन्हें कच्चा खाना ही पसंद है। मैं कुछ समझा नहीं, ऐसा कहकर अमित ने खुजली वाली जगह पर कंबल के नीचे से हाथ डाला। उसके पैरों में उसे अजीब सी चीज का स्पर्श हुआ और वो घबरा गया। इतने में बूढ़ी महिला ने कहा, ये रहा प्रोटीन युक्त स्वादिष्ट खाना। ऐसा कहकर वो झुकी और अमित के पैरों से कंबल हटा दिया। अमित जोर से चिल्लाया, उसने देखा सैकड़ों लीच उसका खून चूस रहे थे। बूढ़ी औरत ने एक लीच को उसके शरीर से नोचा। और अपने मुंह में डाल लिया। वो उसे धीरे धीरे चबाने लगी। लीच ने चूसा हुआ अमित का खून उसके मुंह से टपक रहा था। अमित खून की कमी के वजह से बेहोश हो रहा था। आखिरी बार उसने महिला को कहते हुए सुना, लगता है असली पकवान खाने का समय आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।